तो है गाइस, फॉर्टनाइट का चैप्टर 2 का ट्रेलर आ चुका है ऑफिशियली, नॉट अली। तो हम और आप करते हैं इसका ब्रेकडाउन, तो करते हैं शुरू। तो शुरुआत करते हैं फॉर्टनाइट के मैप से। तो इस बार फॉर्टनाइट का मैप पूरी तरह बदल गया है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर दिखाया गया है और मैप में अलग अलग जगहें दिखाई गई है, जैसे एक पावर प्लांट, फटा हुआ पावर प्लांट सॉरी, जिसमें न्यूक्लियर कुछ तो हुआ होगा और फट गया होगा। और बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट दिख रहे हैं, जैसे कि इस इन्वायरमेंट के लोग पहाड़ है, आजू बाजू हरियाली और बीच में एक ब्रिज, और इस इन्वायरमेंट को कौन कैसे भूल सकता है। तो ये गेम बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, फॉर्टनाइट का चैप्टर 2 इज वेरी ब्यूटीफुल। और इसमें अननोन लोकेशन है जैसे कि दिस एंड जो अगला आने वाला है, इसमें बहुत ही क्लासिक लुक भी देने की कोशिश की है और पुराने मैप से थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाने की कोशिश की, पर ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें दिखाने की कोशिश की। तो फॉर्टनाइट का न्यू मैप बहुत ही अच्छा है, जो कि आइलैंड पे बेस है। फॉर्टनाइट की सेकंड अच्छी बात जो है कि एक आइलैंड पे बेस है, और आइलैंड के आजू पानी है, और पानी में सबसे ज़्यादा कौन सा बिजनेस चलता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग होगा तो बताऊँगा, वो चलता है फिशिंग का। तो इसमें फिशिंग से आप वेपन निकाल सकते हैं या फिर फिश निकाल सकते हैं, अगर वेपन मिला तो आपका लक अच्छा होगा, और आप बहुत ही लकी इंसान निकले तो आपको बहुत ही अच्छा वेपन भी मिल सकता है। अगर आपको फिश मिली होंगी तो फिश खा के अपनी हेल्थ बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें प्रॉपर्टीज होंगी या फिर लॉ होंगे कि फिश लो और खाओ और हेल्थ बढ़ाओ। अब पूरा आइसलैंड है तो उसके आजू बाजू पानी तो होगा, और पानी में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाली चीज़ होगी बोट। अब पानी में गाड़ी लेकर तो नहीं जाओगे ना, तो इसलिए इस गेम में बहुत ही अच्छी बात लगी होगी, इसमें बोटिंग का सिस्टम डाला है, और बोटिंग में एक रॉकेट लॉन्चर भी दिख रहा है मुझे, पर मैं क्लियरली नहीं बता सकता कि रॉकेट लॉन्चर है या नहीं। और हाँ, इस गेम की स्किन्स कौन बोल सकता है, जैसे कि ये स्किन बहुत ही लाजवाब दिख रही है इस गेम में, और इसमें रॉकेट लॉन्चर दिया है, और ये सस्ता निक फ्यूरी कौन बोल सकता है इस गेम का। और नेक्स्ट वाली स्किन, मतलब इस गेम में बहुत ही अलग अलग स्किन दिखने वाले, यस बहुत ही न्यू और कुछ पुरानी घटिया वाली भी स्किन होगी पुरानी वाली, पर नई वाली बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसे कि पलीकड़ का पांडा देख लो गुलाबी कलर का चौकी, और मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है ये वाला स्किन, बस लाजवाब है, और इस स्किन को कौन भूल सकता है। एंड बोनस टाइम इस गेम की बहुत ही अच्छी चीज़ कि हम अपने घायल फ्रेंड्स को कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगा, वरना बहुत से लोग मर जाते थे इस गेम में।